दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रकाश वीर और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो पे हमने बताया था कि तुलसी हमारी जो है किस तरीके से शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन करती है और किस तरीके से आप उसका डेमो करके लोगों को बता सकते हैं कि हमारे लिए कितना फायदेमंद होती है और क्या क्या चीजों की सावधानी रखनी चाहिए, किस तरीके से हमें तुलसी का सेवन करना, इन सब बारे में चर्चा हुई थी पिछले वीडियो पे। आज के वीडियो पे हम श्री तुलसी के दूसरे डेमो को आपको बताने के जा रहे हैं कि किस तरीके से इसका एक और डेमो करके दिखा सकते हैं। और ये डेमो है हमारे बॉडी पे जो अनवांटेड केमिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं, जो चारों तरफ से कहीं ना कहीं से वो केमिकल हमारे शरीर पर आ रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हम ले रहे हैं बाहर से, जैसे कि थर्माकोल। जो थर्माकोल होता है उसमें हम चाय भी पी रहे हैं, खाने पीने की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी हमारे शरीर पे किस तरीके से केमिकल्स आ रहे हैं, किस तरीके से बैड कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो रहा है और उसको किस तरह से तुलसी खत्म करती है, इन सब बारे में हम चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि मार्केट में हम अक्सर चाय वगैरह लेते हैं, कुछ भी करते हैं तो थर्माकोल के ग्लास होते हैं उनपे लेते हैं, या आप हॉट ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हैं तो वो जो केमिकल होता है वो गर्म होने पर रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर जाता है। बहुत सारे ऐसे कैंसर जैसे भी हानिकारक रोग हैं जो उसकी वजह से होते हैं। अक्सर बाहर आप चाय ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसके बाद में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि गले में खराश उत्पन्न होती है, एलर्जी होती है, इस तरीके से शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं, बाद में वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाते हैं। तो किस तरीके से वो हमारे शरीर से खत्म करेंगे, इसका दूसरा डेमो हम आपको करके दिखाने वाले। चलिए चलते हैं डेमो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने दो थर्माकोल के प्लेट ले रखे हैं। जो थर्माकोल का प्लेट हमने क्यों रखा है, ले रखा है, हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो केमिकल होते हैं इनके माध्यम से हमारी बॉडी पे पहुंचते हैं और वो जमते रहते हैं। जैसे कि इसको हम अब इसी पे हम कुछ खाने की चीज अगर डाल के खाएंगे तो ये कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद हमारी बॉडी पे जाएगा। आप सबको बताना चाहूंगा, जो थर्माकोल होता है ये हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है, यानी कि जो पेट्रोलियम का वेस्टेज होता है उससे बनाया जाता है और वही हमारे शरीर पे जा रहा है जो नुकसान करने वाला है। एक यूनिवर्सिटी है एडिलेड यूनिवर्सिटी और साउथ एशियाई मेडिकल हेल्थ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि एक थैलेट्स नामक केमिकल होता है, जो थैलेट्स नामक केमिकल इस पे पाया जाता है वो रिएक्ट करके हमारी बॉडी पे जाता है, जिसकी वजह से दिल की बीमारी, बीपी, शुगर और सेक्सुअल प्रॉब्लम तक इससे होती हैं और फ्यूचर में धीरे धीरे जैसे ही हमारी बॉडी पे जाती रहती है, ऐसा नहीं कि आज आपने आज ले लिया तो कल आपको प्रॉब्लम हो गई, अगर धीरे धीरे हमारी बॉडी पे जाती रहती है तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता रहता है। आपको बताना चाहूंगा, जो थर्माकोल है ये यहां पर इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को जाकर के नुकसान देते हैं, बहुत ज्यादा हमारी बॉडी पर रिएक्ट करते हैं, नुकसानदायक होते हैं। दोस्तों, किस तरीके से श्री तुलसी इस गंदगी को या जो एलडीएल हमारी बॉडी पे इकट्ठा से अक्सर हार्ट की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आती है, उसके पीछे वजह यही होती है कि ऐसी चीजें जमने लगती हैं और जाकर के ब्लॉकेज पैदा करती हैं जिससे हार्ट की प्रॉब्लम होती है। जो अपनी श्री तुलसी हार्ट के पेशेंट के लिए भी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कारगर है। तो आज हम जो यहाँ पे डेमो दिखाने वाले हैं, दो प्लेट दे रखी है, आप समझ चुके होंगे कि दो प्लेट हमने क्यों ली है। दो प्लेट केवल हमने इसलिए ली है क्योंकि आज के डेमो पे हम आपको यहाँ पर एक कंपैरिजन वीडियो दिखाने वाले हैं, कंपेयर करके दिखाने वाले हैं किसी अदर कंपनी की तुलसी के साथ कि हमारी श्री तुलसी कितनी फास्ट वर्क करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम दोनों कटोरियों में थोड़ा थोड़ा पानी ले लेते हैं, जैसे हमने ये ले रखा और एक ये इस पे ले लिया। अब हमने यहाँ पे दो कंपनी की तुलसी ले रखी, एक हमने आईएमसी की श्री तुलसी ले रखी और एक अदर कंपनी की हमने तुलसी ले रखी। अब हमने आपको बताया था कि 8 से 10 बूंद हमको पीना होता है तुलसी को दिन में, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है। तो अब हम 8 से 10 बूंद दोनों तुलसी एक साथ डालेंगे। यहां पे देखिए, इस तरीके से हमने 8 से 10 बूंद तुलसी दोनों को डाल दिया है, दोनों तुलसी हमने इस पे डाल दी हैं। आप देख पा रहे हैं तुलसी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, बॉडी पे जाकर के अपना वर्क करना शुरू कर दिया है। कैमरे में आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो श्री तुलसी थी आईएमसी की, उसने उस थर्माकोल को छेद कर दिया है और पानी लगातार नीचे टपक पा रहा है। अब मैं कैमरा स्क्रीन के पास में लाके दिखाना चाहूंगा किस तरीके से ये टपक रहा है, देख पा रहे हैं आप। और जो दूसरी कंपनी की तुलसी है वो उसी तरीके से है और ये आप देख लीजिए, धीरे धीरे करके इसने
पूरे तरीके से इसको गला दिया है और पानी लगातार इस पर टपक रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से श्री तुलसी अंदर जो गंदगी होती है उसको पूरी तरीके से साफ करके इन जो नुकसानदायक जो केमिकल्स हैं, जो पेट्रोलियम केमिकल्स हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसे, इनको सही करती है। जो हमारा लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है उसको सही करती है, जिससे हमारे शरीर से गंदगी जब निकल जाएगी तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। दोस्तों डेमो में आपने देखा कि किस तरीके से केमिकल को खत्म कर देती है तुलसी, इसी तरीके से हमारी बॉडी पे जो बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है या जो इस तरीके से इन तत्वों से आया हुआ केमिकल होता है उनको तुलसी पूरी तरीके से खत्म कर देती है। बात अगर डोजेस की करें तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से तुलसी आपको लेना है, तो दोस्तों आपको 8 से 10 बूंद तुलसी का सेवन दिन में करना है। बात आती है कि छोटे बच्चों को तुलसी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो आप छोटे बच्चों को भी तुलसी दे सकते हैं, लेकिन 5 साल के ऊपर तक के बच्चों को आप 2-2 बूंद तुलसी, 5 से 10 साल की उम्र का बच्चा है तो आप उसको 2-2 बूंद तुलसी दे सकते हैं। इसी के साथ में कॉन्स्टिपेशन वाले व्यक्ति को तो बता ही चुके हैं कि 4 बूंद तुलसी आपको लेना है। और तुलसी किन किन चीजों में दे सकते हैं, जैसे जिन लोगों को गले की समस्या आ रही हो, किसी गले में खराश है, जुकाम बुखार जैसी हल्की समस्याएं हैं, पेशाब संबंधी कोई दिक्कत आ रही है, यूरिन पे दिक्कत आ रही है या किडनी की कोई प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे आप तुलसी दे सकते हैं। किसी को स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस पे तुलसी दे सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज है इम्यूनिटी बूस्ट, इम्यूनिटी पे तुलसी दे सकते हैं, जिससे जैसे कि बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया जैसे कि कोरोना वायरस ही है, कोरोना वायरस के दौर पर सबसे बड़ी चीज यही कही जा रही कि आप लोग इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली चीजें लीजिए, तो तुलसी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो क्योंकि ये पूरी तरीके से नेचुरल है, किसी तरह का केमिकल नहीं है, तो हमारी बॉडी पे जाकर के इम्यूनिटी को बूस्ट करता है बहुत ही अच्छी तरीके से। या आप ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको थकावट बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, कोई थका थका सा रहता है, उस व्यक्ति को दे सकते हैं। तुलसी तो बहुत सारी चीजों में फायदेमंद है, ये तो एक छोटी सी बात थी कि इन चीजों में आप नए व्यक्ति हैं, अगर आपने आईएमसी ज्वाइन करके लोगों को बताना शुरू किया है तो शुरुआत में आप इन चीजों को बता करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और इस तरीके से अपने डेमो दिखा करके लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। इसी तरीके से अभी तुलसी के बारे में और भी हम जानकारी आप तक लाते रहेंगे कि तुलसी को और किन किन चीजों के साथ किस तरीके से लेना चाहिए और क्या क्या फायदे हैं तुलसी के, इस तरह की और भी जानकारी हमारे अगले वीडियोस पे आपको मिलती रहेंगी। आप अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबसे पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करने, बगल में बेल आइकन लगाया उसको हिट करें, जिससे जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे फ्यूचर में सारे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। साथ ही अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने आज तक आईएमसी के किसी भी प्रोडक्ट को यूज नहीं किया, नहीं जानते हैं, आईएमसी के प्रोडक्ट यूज करना चाह रहे हैं या आईएमसी के साथ जुड़ करके इस पे काम करना चाह रहे हैं, तो नीचे स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कॉल करिएगा, आपको वहां पर बेहतर जानकारी दी जाएगी किस तरीके से आप आईएमसी के प्रोडक्ट परचेज करके यहाँ पर अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं या इन बेहतर शानदार प्रोडक्ट्स को आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप पहले से आईएमसी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपके पास एक अच्छी टीम है, तो आप अपनी नई टीम को वीडियो फॉरवर्ड करिए, इससे वो डेमो सीख करके लोगों को दिखा सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो पे। गुड आईएमसी, बी हेल्दी, बी वेल्दी।